ग्रेटर नोएडा स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई है। एक लड़की की इस हादसे में मौत हो गई है जबकि 28 लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और दोनों वाहनों को हटाकर यातायात खुलवा दिया है और दुर्घटना के कारणों की अभी जाँच की जा रही है। बता दें कि ट्रक और बस के बीच हुई भिड़ंत के बाद चीख पुकार मच गई और घायलों को बस से निकालते हुए पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोग मदद में जुट गए। ADCP ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि यह सड़क हादसा थाना कसाना क्षेत्र के ग्राम लड़पुरा के पास होकर गुजर रही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पलवल जाने वाले रास्ते पर हुआ है, जब पंजाब से यात्रियों को लेकर बिहार जा रही एक निजी बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना कसाना की पुलिस टीम ने 28 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इलाज के दौरान 11 वर्षीय आशीष पुत्र पंकज को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने मृतक लड़के को कब्जे में लेकर उत्पादन के लिए भेज दिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।